आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आज तक के शो हल्ला बोल में तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी 9 साल से झुंझुना बजा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी हमला बोला, कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल में झुंझुना बज रहा है। एनपीएस और ओपीएस पर मैं जवाब दे देती हूँ, हमारी 3 जगह सरकार है, हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। लोगों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए और हमने अपने 3 राज्यों में वो लागू करी है। इनके घोर विरोध और इनके पैसे पर कुंडली मार के बैठने के बावजूद, एक बार चुप रहिए, पूरा बोलने दे फिर आप बोलिएगा, बोलने के बावजूद आपने अडानी पर कहा हम क्यों कैंसिल करें भाई। अडानी के लिए रूस जिस सरकार ने बदले वो कुछ नहीं करेगी, वो हाथ पर हाथ धर के झुंझुना बजाएगी और हम हर जगह कैंसिल करें। हमने तो एक फेयर तरीके से L1 बिडिंग कराई थी, ये करा ले। इन्होंने हर व्यक्ति का जो NCLT के माध्यम से अडानी को एसेट मिला उसके खिलाफ ED और CBI थी, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। क्यों ऐसा करते हैं ये, पूछिए इनसे ये बात। इनके यहाँ फेयर में L1 वो हो गया जिसके पीछे ED और CBI थी। कितना बढ़िया तर्क दिया कि इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में, ये बताइए आप क्या करें। अच्छा बताइए, मैंने क्या बोला, अगर CBI वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, केंद्र सरकार ने या राजस्थान सरकार ने? जानते हैं ना, हम ये कह रहे हैं समझते हैं, राजस्थान सरकार ने दिया है कि उन्होंने दिया। तो L1 बिडर तो इसमें भी थे, जो भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मिले उसमें भी L1 मिले। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे, अच्छा तो कैंसिल कर दीजिए ना। हम कैसे NCLT के एसेट को, अरे भाई आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने दिया कॉन्ट्रैक्ट की केंद्र सरकार ने दिया, झुंझुना बजाएंगे 9 साल से झुंझुना बजा रहे हैं। कैंसिल नहीं करिए तो जमीन क्यों दे, ऐसे झुंझुना बजाइए, जमीन क्यों दे रही भाई, 9 साल से बजा रहे हैं अभी और। अरे तीन तीन जगह झुंझुना बज रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, केंद्र सरकार में झुंझुना आप बजा रहे हैं।